पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। यस बच्चे, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज सेल। मैंने आपको बताया था द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, जिसका मतलब है बच्चे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है, वो सेल से बना होता है। सेल से ही आगे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ही आगे ऑर्गन्स बनते हैं, एंड देन ऑर्गन सिस्टम एंड फुल बॉडी बनती है। और अगर मैं बात करूं फंक्शंस की, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो बेसिक फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करता है, सेल। इसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सेल, कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। एंड देन हमने पढ़ा था कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल वी कैन कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद बच्चे मैंने आपको बताया था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस ऑफ द सेल होते हैं। बच्चे आपसे एक रिक्वेस्ट है ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप जब भी वीडियो स्टार्ट करें एक नोटबुक और पेन जरूर रखें, सो दैट आप उसको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो भी मैं नोट्स यहाँ लिखती हूँ आप उसको नोट कर सकें। साथ ही साथ बच्चे जब भी आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड तक जरूर देखें, बिकॉज विद इन द वीडियो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। अगर आपने वो पूरी वीडियो नहीं देखी तो आपके वो मिस हो सकते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। Shapes and sizes of the cell. Cells vary in shapes and sizes. They may be oval, spherical, rectangular, spindle shape or totally irregular like the nerve cell. बच्चे यहाँ पर कहा गया है जो सेल्स हैं दे वेरी इन शेप्स, उनकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट होती है। कोई ओवल हो सकता है, ओवल मीन्स बच्चे अंडाकार ऐसा ओवल, और दे कैन बी स्फेरिकल, स्फेरिकल आपको पता है जैसे बॉल होती है, दे कैन बी स्फेरिकल, दे कैन बी रेक्टेंगुलर ऐसे रेक्टेंगल शेप में हो सकते हैं, और दे कैन बी स्पिंडल शेप या उनकी शेप ऐसे स्पिंडल शेप हो सकती है, या फिर टोटली इररेगुलर की कोई शेप ही ना हो। ठीक है, तो सेल्स की जो शेप है और जो सेल्स का साइज है दे कैन वेरी। अब बच्चे साइज की बात करूं तो एक ही ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ा सेल भी होता है, सबसे छोटा सेल भी होता है। मोस्ट ऑफ द सेल, जितने भी सेल्स हैं ऑर्गेनिज्म में, मोस्ट ऑफ देम आर माइक्रोस्कोपिक, मींस जो ऑर्गेनिज्म में सेल्स हैं वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से हेल्प से दिखते हैं, बट सम सेल्स दे आर बिगर इन साइज। द साइज ऑफ द सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। यही बात बच्चे मैंने आपको बोली कि मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइक आरबीसीज हो गए हमारे। ठीक है, जितने भी ब्लड सेल्स हैं आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज बच्चे दे आर माइक्रोस्कोपिक, वाइल सम सेल आर फेयरली लार्ज लाइक नर्व सेल। बच्चे नर्व सेल मीन जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं नर्व सेल्स, उनका साइज जो है वो बड़ा होता है। यहाँ पर बच्चे मैंने कुछ सेल्स ड्रॉ कर रखे हैं जो ह्यूमन बींग्स में मिलते हैं, दीज आर ब्लड सेल। बच्चे ब्लड में दो टाइप के सेल्स होते हैं आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, या आरबीसीज को ड्रॉ किया गया है। जो आरबीसीज की शेप होती है वो जैसे आपने बालूशाही देखी है बच्चे, बालूशाही एक मिठाई होती है उसकी जैसी, या फिर आपने डोनट खाया होगा, डोनट की शेप के होते हैं आरबीसीज। और बात करूं डब्ल्यूबीसीज की तो डब्ल्यूबीसीज बच्चे दे आर इररेगुलर इन शेप। अच्छा यहाँ पर ये है बच्चे ओवम, ओवम इज द सेल विच इज फाउंड इन फीमेल्स, फीमेल एग है बोला जाता है इसे। बच्चे इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी जो शेप है वो इस टाइप की होती है। इसके बाद बच्चे ये मैंने ड्रॉ कर रखा है स्पर्म सेल, स्पर्म सेल बच्चे ये ऐसा सी शेप में होता है, zigzag शेप में होता है। देन दीज आर स्मूथ मसल सेल्स, ये स्मूथ मसल सेल्स हमारे मसल सेल्स में पाए जाते हैं। दीज आर स्पिंडल शेप, ये बच्चे ड्रॉ कर रखा है बोन सेल, बोन सेल की शेप आप देख सकते हैं इरेगुलर सी है। एंड दीज आर नर्व सेल, बच्चे नर्व सेल की भी आप शेप देख सकते हो कैसे ब्रांचेस बनी हुई है। ठीक है, इसकी भी जो शेप है वो ब्रांच शेप बोली जाती है या फिर इरेगुलर शेप बोली जाती है। तो बच्चे यहां पर हमने पढ़ लिया कि हाउ द शेप्स एंड साइजेस ऑफ द सेल दे वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब स्टडी करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल। यस बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन कि न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बच्चे प्रोकैरियोटिक वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव। तो जब यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई थी, अर्थ की स्टार्टिंग हुई थी बच्चे, सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे देवर प्रोकैरियोटिक, मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो सेल्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जो पहले आए, जो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, मींस जो स्टार्टिंग में आए। ठीक है, सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट मतलब इसमें जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता। बच्चे न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है सेल का, किसी भी सेल में जो उसकी
ब्रेन होता है या जो मेजर फंक्शनिंग है वो कौन कंट्रोल करता है, वो उसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज द मेन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी या मेन कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रू न्यूक्लियस है बच्चे वो नहीं होता, वहां पे क्या होता है सिर्फ न्यूक्लियोइड मटेरियल की न्यूक्लियस नहीं होगा, बट जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल मींस सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करो बच्चे, यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू। ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जो बाद में आए, ठीक है, जब यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई तो स्टार्टिंग में प्रोकैरियोट्स बने, दीज वर बैक्टीरिया, ठीक है, जो स्टार्टिंग में बने। उसके बाद यूकैरियोटिक मतलब जो एडवांस या फिर जो बाद वाले ऑर्गेनिजम्स आए। यूकैरियोटिक सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, बच्चे ये वो सेल्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर और इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, ये एडवांस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे प्रोकैरियोटिक, एग्जाम्पल आर्के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, एल्गे एंड ऑल प्रोकैरियोट्स। बच्चे प्रोकैरियोट्स जनरली जो हमारे मैरीन लाइफ है उसमें मिलते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का नेम है बच्चे, और कुछ और बैक्टीरिया एंड सम एल्गे लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे कम इन दिस कैटेगरी। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो जो बाकी के जो भी लिविंग बीइंग्स हैं एक्सेप्ट दीज, ठीक है, एक्सेप्ट सम बैक्टीरिया एंड एल्गे एंड प्रोकैरियोट्स, जितने भी बचे हुए लिविंग बीइंग्स हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, यूकैरियोट्स की कैटेगरी में। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। जिन्हें प्रिमिटिव कहा जाता है, प्रिमिटिव मतलब जो पहले आए, ठीक है, और इनको इनकम्प्लीट सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे सेल के लिए, अगर उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो वो इनकम्प्लीट सेल हुआ, तो इसको इनकम्प्लीट सेल भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो दे आर एडवांस एंड कम्प्लीट सेल। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, एडवांस सेल है, जो बाद के ऑर्गेनिजम्स में आए, इनको कम्प्लीट सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो बच्चे दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी सेल विदाउट न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इसीलिए जो प्रोकैरियोट्स है बच्चे वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी तो मिलते ही हैं बच्चे, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो एडवांस होते हैं, उनमें कौन से सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, साथ ही साथ दे कैन बी सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल। तो बच्चे ये हो गए डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स या व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स और स्टेट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने फिनिश कर लिया व्हाट इज द टाइप ऑफ सेल, जिसमें हमने पढ़ा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब बच्चे हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे ह्यूमन सेल की, दैट इज एनिमल सेल, तो उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज जो उसकी आउटर बाउंड्री, अब देखो आप अपना घर बनाते हो, आप उसकी आउटर बाउंड्री बनाते हो ना, इसी तरीके से जो सेल होता है बच्चे उसकी एक आउटर बाउंड्री होती है जो उसे सेपरेट करती है आउटसाइड एनवायरनमेंट से। इस आउटर बाउंड्री का नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद बच्चे अंदर की तरफ जब हम मूव करते हैं तो एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो पूरे एरिया को कवर करता है। दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, ठीक है, जेली आपने देखा होगा ना ऐसे चिपचिपा सा होता है, दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। और इसके जो सेंटर है, जिसके सेंटर में क्या होता है, एक स्फेरिकल बॉडी होती है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की बात करूं तो बच्चे जैसे ह्यूमन बीइंग्स में ब्रेन होता है जो सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है ह्यूमन बीइंग्स में, इसी तरीके से सेल की बात करूं तो सेल में एक सेंट्रल बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, जो सारे के सारे फंक्शंस कंट्रोल करती है, इसीलिए न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अगर मैं बच्चे बात करूं एनिमल सेल की, ह्यूमन बीइंग के सेल की, तो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बच्चे साइटोप्लाज्म के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स देखिए, जैसे सेल में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, इसी तरह से
बचे, जो डिफरेंट फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करती है ये सेल ऑर्गेनाइज जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। अब आप एग्जांपल लीजिए एक स्कूल का बच्चा, स्कूल में क्या है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, कोई एडमिन ब्लॉक हो गया, कोई टीचिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, कोई मेंटेनेंस स्टाफ हो गया, वो क्या करेंगे, वो मेंटेन्स करेंगे, टीचिंग वाले टीच करेंगे एंड जो एडमिन ब्लॉक है वो फीस कलेक्ट या जो भी एक्स्ट्रा एडमिन वर्क होता है वो संभालते हैं। इसी तरीके से सेल में जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं बच्चे, वो सब डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज संभालती हैं। सभी सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, कोई प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है तो कोई लिपिड की सिंथेसिस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है बच्चे हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर रहा है। तो बच्चे ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज कहां प्रेजेंट होंगी, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये तो बात हुई बच्चे एनिमल सेल की। अब अगर मैं बात करूं बच्चे प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल दे नीड सम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। देखो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्यों आउटसाइड एनवायरमेंट से, क्योंकि वो मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट्स की बच्चे, तो प्लांट्स एक जगह फिक्स होते हैं, वो आउटसाइड एनवायरमेंट से अपने आप को बचाने के लिए मूव नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चे द गॉड हैज प्रोवाइडेड देम सम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल। देखो प्लांट, अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की, तो उसमें जो आउटसाइड बाउंड्री होती है वो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं बच्चे प्लांट सेल की और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो वहां पे क्या है एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होगी आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल। बच्चे ये सेल वॉल क्या है, ये सेल वॉल एक्स्ट्रा बाउंड्री है, रिजिड है, थोड़ी हार्ड होती है। इसका क्या काम होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है और साथ ही साथ प्लांट्स को सपोर्ट देने का काम करती है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, तो देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज होती है दैट इज सेल वॉल। तो आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिटेल में करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करो बच्चे, दिस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल दैट सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये वही है बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये आउटर बाउंड्री है जो सेपरेट करती है सेल को फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट, कि सेल की एक पर्टिकुलर बाउंड्री है। अब देखो आपका घर है, आपका घर आपको कैसे पता चलता है कि यहां से मेरा घर शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। हम क्या करते हैं आउटर बाउंड्री बनाते हैं ना, इसी तरीके से सेल्स भी अपने आउटसाइड पे एक आउटर बाउंड्री बनाते हैं, जिसको कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद बात करूं बच्चे, इसको लिविंग पार्ट ऑफ द सेल भी कहा जाता है, प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सब में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी। कंफ्यूज मत होइएगा, जो सेल वॉल है सिर्फ प्लांट्स में होती है एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सब में प्रेजेंट होती है। बच्चे यहाँ पर बात की गई है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो इट इज थिन, डेलिकेट, इलास्टिक एंड सिलेक्टिवली परमेबल। थिन मीन्स बच्चे बहुत पतली होती है, डेलिकेट मीन्स बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत नाजुक है। साथ ही साथ इलास्टिसिटी की बात करूं तो बच्चे उसमें इलास्टिसिटी है या वो इलास्टिक है एंड सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मीन्स कि ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अपने अंदर में से पास होने के लिए और कुछ को नहीं करती। आप एग्जांपल ले सकते हो बच्चे चाय की छन्नी की, आप जब उसमें से चाय छानते हो आपको पता है जो चाय है वो नीचे रह जाती है और जो पत्ती है वो ऊपर हो जाती है, क्योंकि उसके जो पोर्स है वो उनका साइज छोटा होता है। वो सम पार्टिकल्स को, कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास होने के लिए और कुछ को नहीं करते। सिमिलरली बच्चे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल करता है कि क्या चीज सेल के अंदर आ सकती है और क्या चीज सेल के बाहर जा सकती है। जो बड़े सब्सटेंसेस है, जो बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली नहीं जा सकते, लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल से बाहर जा सकते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर भी आ सकते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बोला गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, अलाउज सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है सेल के अंदर आने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, किस चीज से बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बच्चे लिपिड जो होते हैं वो फैट्स के टाइप ही होते हैं, तो किससे बनी है, ये लिपिड से बनी है और प्रोटीन से बनी है, ठीक है। ये बच्चे हमने डिटेल में कर लिया अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री की तरह काम करती है, ठीक है, विच अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास
in the cell and some substances to pass out of the cell, that is it is selectively permeable. तो बच्चे ये हमने डिटेल में कर लिया अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप इसको नोट कर लीजिए. स्टूडेंट्स, तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ लिया, अब हम स्टडी करने वाले हैं सेल वॉल को डिटेल में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेल वॉल इज नॉन लिविंग थिक एंड फ्रीली परमिएबल कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज. बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है. क्या है ये? नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. ये क्या होती है? थिक होती है. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था इट इज थिन, देन सेल वॉल इज थिक. फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल का मतलब होता है इसमें सारे के सारे सब्सटेंसेस जो है वो इजीली मूव कर जाते हैं. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जनरली क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. तो आप लिख सकते हो यूकैरियोटिक प्लांट सेल में कौन सा कंपोनेंट होता है? सेल वॉल, जो एनिमल सेल में नहीं होता. साथ ही साथ कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी बच्चे सेल वॉल इज प्रेजेंट. इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल. ये क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ रिजिडिटी, मतलब जो प्लांट सेल है उसको सख्त बनाती है. प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है प्लांट्स में. मैंने आपको बताया था जैसे प्लांट्स मूव नहीं कर सकते तो उनकी प्रोटेक्शन कैसी होती है? विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल. इट प्रिवेंट्स ड्राइनेस इन सेल्स एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये क्या करते हैं बच्चे? प्लांट सेल को ड्राई होने से बचाती है, साथ ही साथ उसमें जो सब्सटेंसेस है उसका फ्लो करवाते हैं. कुछ सब्सटेंसेस प्लांट के अंदर आ सकते हैं, कुछ सब्सटेंसेस प्लांट के प्लांट से जा सकते हैं. तो बच्चे ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कराती है. तो ये बच्चे हमने पढ़ लिया सेल वॉल को डिटेल में. इसके बाद जो बाकी कंपोनेंट्स ऑफ द सेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. बच्चे इस वीडियो के लिए इतना ही. बच्चे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप साथ साथ नोट जरूर बनाते हो चलिए, बिकॉज ये जो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हम बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं तो आपके बहुत बढ़िया नोट्स बन जाएंगे. बच्चे अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए. तो बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय.